नमस्कार, मैं डॉक्टर राहुल गुप्ता हूं। मैं फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा में ब्रेन और स्पाइन सर्जन हूं। मैं एक न्यूरो सर्जन हूं जो कि हर तरीके की ब्रेन और स्पाइन की बीमारियों को ट्रीट करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे अपने गर्दन यानी सर्वाइकल स्पाइन की बीमारियों के बारे में। हमारी जो गर्दन है वो हमारे सिर को होल्ड करती है, प्लस उसको साइड में टर्न करने के लिए, आगे पीछे देखने के लिए हमें हेल्प करती है, और साथ में हमारी नॉडिंग में हेल्प करती है। जब हम बोलते हैं तो कॉन्स्टेंटली हमारा हेड नॉड होता है यस या नो में, ताकि हम वार्तालाप को ठीक से कर सकें। पर इसी गर्दन में कई बार मसल स्पाज़म हो जाता है, पेन हो जाता है, या एक तरह से मोच आ जाती है, जिसकी वजह से हमारी गर्दन अकड़ जाती है। आज हम डिस्कस करेंगे कि इसके क्या क्या कारण है, उनको कैसे प्रिवेंट किया जाए, और अगर हमारी कोई प्रॉब्लम होती है किस डॉक्टर से कंसल्ट करना है, और उसके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। अगर हम गर्दन की बात करते हैं तो बहुत सारी मसल्स हैं जो कि हमारे सर्वाइकल स्पाइन को स्टेबल रखती हैं। सर्वाइकल स्पाइन के अंदर स्पाइनल कॉर्ड होती है और उसमें से बहुत सारी नर्व्स निकलती हैं जो कि हमारे कंधे को या हमारे हाथों को सप्लाई करती हैं, जिससे कि हमारी मूवमेंट हो सके, हमारी सेंसेशन इंटैक्ट रखे। सर्वाइकल डिस्क की प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, यंग पेशेंट्स में भी कॉमन है। कोई झटका लगने से या फिर कोई झुक के काम करने से कई बार ये प्रेसिपिटेट हो जाती है, या फिर ओल्ड एज में ही अपने आप डीजनरेटिव चेंजेस जो होते हैं उसकी वजह से हो जाती है, या फिर डीजनरेटिव डिजीज में हमारे बोन की अलाइनमेंट, बोन के अंदर ऑस्टियोफोर्टिफाइड फॉर्मेशन या चोंच बनना, लिगामेंट हाइपरट्रॉफी होना, या नर्व्स का स्पाइनल कॉर्ड का वीक होना, ये बड़ा कॉमन है। कैसे हमें पता चलता है? हमारे गर्दन में हम सुबह सोके उठे और हमें बहुत तेज दर्द हो रहा है, गर्दन अकड़ी हुई है। कोई सामने बैठा हुआ व्यक्ति भी ये देख के बता सकता है कि आपकी गर्दन में तकलीफ है, क्योंकि हमारी गर्दन अकड़ जाती है और हम उस अकड़ी हुई गर्दन को टेढ़ा मेढ़ा या साइड में मूव नहीं कर पाते और हम नॉट भी नहीं कर पाते। ऐसे में इनिशियल जो ट्रीटमेंट है, जो घरेलू नुस्खा है, वो है गर्म पानी से की बोतल से या बर्फ से सिकाई करना। उसके बाद कोई भी बल्लम जो कि हमारे पास अवेलेबल है, जैसे आयोडेक्स, वॉलनी, वोवरॉन जेल, उनको हम लगा सकते हैं, मल सकते हैं। यूजली 1-2-3 दिन में ये दर्द ठीक हो जाता है। थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं, सर्वाइकल कॉलर का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर हम दर्द की गोली भी खा सकते हैं। अगर 1 या 2 दिन में ये अकड़ाहट ठीक नहीं हो रही है तो फिर हमारे को अपने फैमिली फिजिशियन से या किसी स्पाइन सर्जन से कंसल्ट करना है। कृपया करके किसी पहलवान के पास जाके गर्दन में झटका लगवाना या गर्दन की मालिश करवाना, कड़े हाथ से कुछ करवाना, ये उसको अवॉइड करें तो अच्छा है। क्योंकि मैंने कई पेशेंट्स में नोट किया है जिनको शुरू में माइनर प्रॉब्लम्स हैं, वो किसी पहलवान के पास गए या किसी देसी इलाज करने वाले के पास गए, गर्दन को झटका लगाया और उनके स्पाइनल कॉर्ड या नर्व में इंजरी हो गई जो कि परमानेंट है। तो एक बार अगर परमानेंट इंजरी हो जाती है तो उसकी रिकवरी जो है वो बहुत मुश्किल हो जाती है। जब हम अपने डॉक्टर के पास जाते हैं या स्पाइन सर्जन के पास जाते हैं तो सबसे पहले वो आपके गर्दन का एक्सरे करवाता है, प्लस आपको कुछ मेडिसिन लिखता है जो कि पेन के लिए होती है, नर्व पेन के लिए होती है या मसल रिलैक्सेंट होती है। अगर उसमें 2-4 दिन में या 10 दिन में आपको फायदा नहीं होता है तो फिर आपको MRI कराने की जरूरत पड़ती है। MRI एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है जो कि आपकी गर्दन यानी सर्वाइकल स्पाइन के बारे में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देता है। वो आपको बोन्स के बारे में, नर्व्स के बारे में, डिस्क के बारे में, लिगामेंट्स के बारे में, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कैनाल और सारे और भी सॉफ्ट टिश्यू जो है आसपास के मसल्स वगैरह, उनके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देता है। सर्वाइकल स्पाइन का जो MRI है वो एक न्यूरोसर्जन ही पढ़ सकता है, और उसको देखने के बाद अगर उसमें कोई ज़्यादा खराबी नहीं है तो आपको कुछ और फिजियोथेरेपी की एक्सरसाइजेस, प्रिकॉशंस के तरीके, प्लस कुछ दवाइयाँ, पिल्स बताई जाती हैं जिसको कि आप कंज्यूम करके अपनी प्रॉब्लम से ठीक हो सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि डिस्क बल्ज बहुत ज़्यादा है, नर्व को दबा रहा है और दवाइयों से आराम नहीं मिल रहा, फिजियोथेरेपी से आराम नहीं मिल रहा, तो उस केस में आपको सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। सर्वाइकल स्पाइन की सर्जरी जो है वो थोड़ी डिफिकल्ट होती है, क्योंकि बिल्कुल उसी के विसिनिटी में स्पाइनल कॉर्ड होती है। स्पाइनल कॉर्ड की अगर इंजरी हो जाती है तो उसका ठीक होना बहुत मुश्किल है। इसीलिए स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड यानी सर्वाइकल स्पाइन से रिलेटेड कोई भी सर्जरी होती है वो एक बड़े हॉस्पिटल में ही संभव है और वहीं करानी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर ऑपरेटिव माइक्रोस्कोप अवेलेबल होता है जो कि वहाँ की नर्व्स को, टिश्यू को, बोन्स को बहुत ज्यादा मैग्नीफाई कर देता है और उससे फिर इंजरी होने के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं। अगर हम किसी छोटे सेंटर में करवाते हैं सर्जरी जिसमें जहां पर माइक्रोस्कोप की या हाई स्पीड ड्रिल की फैसिलिटी नहीं है तो वहां पर रिस्क जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और एक बार अगर स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो गई तो हमारे हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं और सुन्न हो जाते हैं। ये तो हुई सर्जरी की बात। अब हम बात करते हैं प्रिकॉशंस। जब हम अपनी गर्दन की बात करते हैं तो हम अपनी पूरी बॉडी की जब एक्सरसाइज करते हैं तो हमें गर्दन का भी ध्यान रखना है। गर्दन में आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस होती हैं जिसमें कि हम अपनी मसल्स को स्ट्रांग बनाते हैं। जब मसल स्ट्रांग होती है तो वो हमारे बोन को अच्छे से सपोर्ट करता है और गर्दन की मूवमेंट में भी हेल्प करता है। इसके अलावा कुछ एक एक्सरसाइजेस होती हैं जो कि हमारी गर्दन की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए होती हैं, टू मेक अवर स्पाइन मोर फ्लेक्सिबल। बट दिस एक्सरसाइजेस हैव टू बी डन अंडर द सुपरविजन ऑफ ए ट्रेंड फिजियोथेरेपिस्ट।
अगर फिजियोथेरेपिस्ट आपको बताएगा कि इस तरह की एक्सरसाइज करनी है तो आपको वही एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि अपने आप अगर आप एक्सट्रीम मूवमेंट्स करते हैं, गर्दन को बहुत ज्यादा साइड में लेके जाते हैं या आगे पीछे बेंड करते हैं, तो उसमें भी स्पाइनल कॉर्ड में या नर्व्स में इंजरी होने के चांसेस हैं या बोन्स के डिसलोकेट होने के चांसेस हैं। तो एक्सट्रीम नेक मूवमेंट्स करके हमें बार बार ये चेक नहीं करना कि हमारे गर्दन में दर्द हो रहा है नहीं हो रहा, या हमारे को कोई नंबनेस तो नहीं आ रही, तो उसको चेक करने की जरूरत नहीं है। गर्दन उतनी ही मूव करनी जितनी हम सेफली मूव कर सकते हैं, या फिर अंडर सुपरविजन हमें ये एक्सरसाइजेस करनी है शुरू में, और बाद में फिर हम अपने आप कर सकते हैं। इसके अलावा काफी लोग कहते हैं कि हमें चक्कर आते हैं गर्दन के दर्द के साथ या सर्वाइकल होने की वजह से, ऐसा नहीं है। जो चक्कर है वो मेनली हमारे कान से शुरू होते हैं, हमारे कान के अंदर कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो कि हमारे चक्कर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हाँ, गर्दन में जब तकलीफ होती है तो कई बार हमें चक्कर जैसा महसूस होता है, उसका रीजन होता है कि जब मसल स्पाज़म होती है तो बैक ऑफ नेक की जो मसल्स हैं वो हमारे सिर से भी ओरिजिनेट होती हैं, और वो जब सिर को, स्कल को या स्कैल्प को स्ट्रेच करती हैं तो जो नर्व्स उससे जुड़ी हुई होती है वो एक्टिवेट हो जाती है, और हमें ऐसा फीलिंग होती है कि हमें चक्कर आ रहे हैं, पर एक्चुअली वो वर्टिगो या चक्कर नहीं होता है, वो एक अलग टाइप की फीलिंग होती है जिसको कि हम चक्कर जैसा सोच सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी मेडिसिन जो अवेलेबल है उसमें पेन किलर्स हैं। इसके अलावा प्रीगावलिन और गावापेंटिन नाम की मेडिसिन है जो कि हमारे नर्व पेन के लिए इंपॉर्टेंट है, उन मेडिसिन को भी हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं शुरू में। इसके अलावा और ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमारे पास क्या है, हम सर्वाइकल कॉलर पहन सकते हैं। सर्वाइकल पैर कॉलर पहनने का जो इनिशियल एडवांटेज होता है कि हमारी जो मसल्स हैं उनको रेस्ट मिलता है, सेकेंडली हम जब पब्लिक स्पेस में होते हैं तो लोग हमसे थोड़ा सा दूर रहते हैं, कोई हमें धक्का नहीं मारता, झटका नहीं देता, जिससे कि हमारी प्रॉब्लम और बढ़ जाए, तो ये एडवांटेजेस होते हैं। इसके अलावा सर्जरी के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर हमारे एक या दो लेवल पे डिस्क की प्रॉब्लम है तो हम आगे से जाके सर्जरी करके उस डिस्क को हटा सकते हैं और वहां पर एक इम्प्लांट लगा देते हैं ताकि वो स्पेस मेंटेन रहे, हमारी गर्दन झुक ना जाए। कई बार मल्टीपल लेवल इन्वॉल्वमेंट होती है तो हमें गर्दन के पीछे से जाना पड़ता है और वहां से हड्डियां हटानी पड़ती हैं। सर्वाइकल स्पाइन में डिस्क और डिजेनरेटिव डिजीजेस के अलावा कई बार ट्यूबरक्लोसिस और ट्यूमर भी हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ट्यूबरक्लोसिस है तो उसमें हमारे को दवाई स्टार्ट करनी पड़ती है, अगर कोई ट्यूमर है और अगर वो ट्यूमर जो है वो हमारे नर्व्स को कंप्रेस कर रहा है या उनसे ओरिजिनेट हो रहा है तो उसको निकालना पड़ता है। सर्वाइकल स्पाइन के नर्व्स के ट्यूमर की सर्जरी बहुत डिफिकल्ट होती है पर सेफ होती है अगर हम उसको एक अच्छे इंस्टीट्यूट में कराएं। इसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड के अंदर अगर कोई ट्यूमर है उसकी सर्जरी करनी पड़ती है तो वो भी काफी पेचीदा सर्जरी है, जिसके लिए कि हमें काफी गैजेट्स चाहिए होते हैं और वो अच्छे हाथों में ही सर्जरी कराने से फायदा होता है। इसके अलावा हमारे कंजेनाइटल एनोमलीज यानी कि जन्म से कुछ प्रॉब्लम्स होती है हड्डियों की बनावट में, जिसकी वजह से भी हमारे को गर्दन में दर्द हो सकता है, और इस तरह की जो बनावट की डिफेक्ट्स हैं उसके लिए हमें एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई करा के देखना पड़ता है। वो एक स्पेशलाइज ट्रेन सर्वाइकल स्पाइन न्यूरोसर्जन ही डायग्नोज कर सकता है, और उसके लिए सर्जरी जो है वो भी काफी पेचीदी होती है, जिसमें कि हमें काफी स्क्रू वायर्स वगैरह का इस्तेमाल करना पड़ता है जो कि एक अच्छे सेंटर में ही पॉसिबल है। तो आपको गर्दन में दर्द हो तो आप घबराए नहीं, आपके जो बीमारी है उसका उपयुक्त इलाज अवेलेबल है। मॉडर्न न्यूरोसाइंस में सब तरह की बीमारियों का इलाज अवेलेबल है, जिसका कि सक्सेस रेट बहुत हाई है। सर्वाइकल डिस्क की सर्जरी के रिजल्ट्स आजकल 99.99% है, किसी को कोई डेफिसिट नहीं होता है, अगर पहले से कोई डेफिसिट नहीं है तो। लेकिन चूंकि यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड है तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके शरीर के अंदर नंबनेस या पूरे शरीर के अंदर वीकनेस या आपका ब्लैडर बॉल इन्वॉल्व हो रहा है, उससे पहले अगर आप अपना उपचार करा लेंगे तो आपको परमानेंट डेफिसिट नहीं होगा। इसके अलावा हेल्दी बॉडी इज हेल्दी माइंड, अगर आपका पूरा बॉडी हेल्दी है, आपका माइंड हेल्दी है, आप अच्छा खाना पीना खाते हैं, आपके पास टाइम पे सोते हैं और आप सिगरेट स्मोकिंग या अल्कोहल का ज़्यादा कंजम्पशन नहीं करते हैं, तो आपके गर्दन की प्रॉब्लम जो है वो भी बच सकती है। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपनी गर्दन की तरफ भी पूरा ध्यान दें, आप एक्सरसाइजेस करें ताकि आपकी गर्दन की नेक मसल स्ट्रांग हो और आप एक सर्वाइकल स्पाइन डिजीज से बचे रहें। धन्यवाद।